मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आमेन। पवित्र आत्मा का मन, क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। यीशु बोलते हैं मुझे तुम्हें बहुत सी बातें बतानी है। अब जीसस अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर कर रहे, 3 साल इनके साथ बिता चुके, 3 साल इनके साथ बिताने के बाद भी अभी भी बहुत सी बात है जो प्रभु यीशु इन पे प्रकट करना चाहते हैं। आप देखेंगे 3 साल की ट्रेनिंग के बाद भी जब प्रभु यीशु मरते हैं ये सब तितर बितर हो जाते हैं, ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। प्रभु यीशु का मरना, मरकर उठना, स्वर्ग में पिता के दाहिने बैठना, वो सब प्लान समझने में चेलों को टाइम लग गया। बोले हम फ्रस्ट्रेटेड है कि हम इतनी बात तुमको बताना चाहते हैं लेकिन तुम रेडी नहीं हो। आप एक बच्चा जो 2-3 साल का, आप उसको भारी सामान नहीं दोगे क्योंकि मैच्योर नहीं है, उसमें शक्ति नहीं है। और इस बात को समझिए कि किसी भी व्यक्ति को वो चीज नहीं मिलेगी जो वो संभाल नहीं सकता। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को वो चीज नहीं देते जो व्यक्ति संभाल नहीं सके। पहले परमेश्वर उसको उस लायक बनाते हैं, उसके अंदर परिवर्तन लाते हैं, उसको तोड़ते हैं। एक आदमी जो अपने लिए जीना चाहता है वो ब्रेक थ्रू मांगता है। परमेश्वर को मालूम है कि इसका ब्रेक थ्रू इसको ब्रेक कर देगा। अगर वो व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करना चाहता है तो पहले परमेश्वर उसको ऐसा बना देंगे कि जब उसके लाइफ में वो ब्रेक थ्रू आए, ग्लोरी परमेश्वर को मिले। आमेन। और वो आशीष उसको बर्बाद नहीं कर दे, वो आशीष उसके जीवन को सजा दे। हम लोग बहुत लोग प्रेयर करते हैं अभी, प्रभु हमको ये चाहिए वो चाहिए, अभी मिल जाएगी, बहुत से लोग बर्बाद हो जाएंगे। अभी बहुत सी चीज अभी हम लोग को मिल जाएगी तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि धन्यवाद परमेश्वर मेरी बहुत सी प्रेयर को मेरा बचपन है समझ के रिजेक्ट कर दिए। एंड देन कितने लोग अभी तक परमेश्वर के साथ अपने सफर में सीख चुके हैं कि सब ठीक है मेरे साथ, बाकी लोग सीखना बाकी सीख जाएंगे। तो आपकी जितनी चिंता परेशानी जो सब है वो सब उसको साइड रखिए। एक बार थोड़े समय तक आप परमेश्वर के चरित्र को समझने लग जाएंगे, आपको समझ जाएगा सब ठीक है मेरे साथ। आज रात को प्रभु सुला भी दिए ना तो सब ठीक है मेरे साथ। जीसस अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर कर रहे हैं कि अपने चेलों को बोल रहे हैं। जीसस कौन बोल रहे हैं? जीसस यीशु। हम लोग तो पापी हैं। अब जीसस के पास देखो, जीसस के पास पाप का कोई एक्सपीरियंस है तो हम लोग बोल सकते हैं प्रभु एक एक्सपीरियंस तो हम लोग आपसे ज्यादा है कि आप तो पवित्र हैं, आप कोई पाप कभी किए ही नहीं। हम लोग के पास तो पाप का इतना एक्सपीरियंस है। बट जीसस जिसके पास पाप का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको स्पिरिट बिना मेजर के दिया गया, वो अपने चेलों को बोल रहे हैं कि हमको बहुत सी बात समझानी है। सो इसलिए आज इस वचन को जब आप सुनेंगे आपको समझना है परमेश्वर लोगों के जीवन को कैसे बदलते हैं। तो यीशु बोल रहे हैं कि मुझे तुमको बहुत सी बातें भी समझाना है लेकिन तुम उसको बोझ ले नहीं पाओगे, तुम उसका भार ले नहीं पाओगे। लेकिन मैं सब बोलो लेकिन, जब आत्मा आएगा, लेकिन जब आत्मा आएगा। लाइफ में कोई भी चेंज होने से पहले अगर आदमी में चेंजेस नहीं है, कोई चेंज लाइफ में नहीं है। आमेन। वो परमेश्वर की उपस्थिति है, आत्मा की उपस्थिति है किसी के जीवन में जो उसकी सोच समझ देखने के तरीके बातों को बदल दे।
हम क्या समझते हैं और हम क्या नहीं समझते हैं उसी से तो जीवन बनता है। लेकिन जब आत्मा आएगा वो तुम्हें हर सत्य में तुम्हारी अगुवाई करेगा। गाइड, गाइड कौन होता है? गाइड होता है जो आपको नेविगेट कराए, आपको सही दिशा दिखाए। सारे सत्य की नॉलेज में आत्मा गाइड करेगा। मतलब एक बिलीवर की लाइफ में, एक विश्वासी के जीवन में, प्रभु के चुने हुए के जीवन में जितनी इनकम्प्लीटनेस है सबका आंसर है जब आत्मा आएगा। जितनी वीकनेस है, जितनी दुर्बलता है, जितनी प्रेयरलेसनेस है, जितनी फ्रस्ट्रेशन है, उसका आंसर है जब आत्मा आएगा। लेकिन जब आत्मा आएगा जो कैपेसिटी उसमें नहीं है, जो डर उसको लगता है, जो फ्रस्ट्रेशन उसकी लाइफ में, जो भटका हुआ जीवन में, लेकिन जब आत्मा आएगा, प्रभु किसी को समझ दे, आत्मा आएगा पहला काम क्या करेगा? गाइड। इसीलिए कोई भी विश्वासी अंधेरी घाटी में खोएगा नहीं, गाइड है उसके पास, वो गाइड उसको अंधेरी घाटी से बाहर लेके आएगा। आमेन। पहला फोकस हम लोग का सिस्टम, मैं सब बोले सिस्टम, परमेश्वर कैसे काम करते हैं, सिस्टम समझना। परमेश्वर के सारे कामों को अंजाम आत्मा देता है। आमेन। परमेश्वर की बोली हुई बातों को आत्मा क्रियाशील कर देता है। हम सृष्टि की शुरुआत में देखेंगे तो पिता बोलते हैं उजाला हो जा, वो बोला वह शब्द यीशु है, लेकिन वो जो आत्मा मंडरा रहा था उस बोले हुए शब्द को क्रियाशील कर देता है। हालेलुया। जब आत्मा आएगा पहला काम क्या करेगा? गाइड तुम्हें सारे सत्य में, झूठ में नहीं, सारे सत्य में आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा। आत्मा गवाही देगा यीशु की तुम्हारे दिलों और तुम्हारे मनों में। आत्मा गवाही देगा तुम परमेश्वर के बच्चे हो, हे मेरे अंकल तू जो स्वर्ग में है मेरी सिफारिश कर, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में, ये रिजल्ट है स्पिरिट के विटनेस का। कोई किसी व्यक्ति को पहले जब नया जन्म मिलता है उसके अंदर गवाही है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। कॉन्फिडेंस, कितने लोगों में कॉन्फिडेंस है आप परमेश्वर के बच्चे? हम लोग शैतान से नहीं डरते हैं, हम लोग अपने पिता से डरते हैं कि वो हम लोग से नाराज नहीं हो जाए, उसकी पनिशमेंट से डरते हैं। हालेलुया। ये विटनेस ये कहां से आया? आज यहां चर्च में कैसे बैठे लोग? कुछ अपनी ब्लेसिंग के लाए होंगे, लेकिन बाकी लोग कैसे बैठे हैं? आप देखिए इतने साल में आप कहां से कहां गए, कैसे आए? एक गाइड है। आमेन। एक व्यक्ति है आपकी लाइफ में, पर्सनली आपके लिए आया है, वो पहला काम करता है गवाही देता है परमेश्वर तुम्हारा पिता, तुम उसके बच्चे हो। आमेन। ये टेस्टिमनी स्पिरिट की, पवित्र आत्मा की ये गवाही हर परमेश्वर के बच्चों के दिल में होती है। आत्मा आप गवाही देता है कि हम परमेश्वर के बच्चे, इसलिए हम हे पिता कह के, हे अब्बा कह के प्रार्थना कर सकते हैं। आमेन। इस बात को समझना है, ये प्रिविलेज है कि हर बच्चा अपने बाप के पास आ सकता है। अगर तुम्हारे अंदर ये गवाही है, तुम पापी हो, जो बात आदमी के अंदर से विटनेस हो रही है, विटनेस कौन, जैसे कोई गवाही दे रहा है। तो कई लोग हैं वो कभी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ते, उनका अंतर्मन साफ नहीं है। बार बार हम पापी हैं, हम किसी काम के नहीं हैं, हम लूजर हैं, हम हारे हुए हैं। आप स्पिरिट का विटनेस, जो परमेश्वर का बच्चा है उसको आत्मा की आवाज सुननी, आत्मा के विटनेस समझना। पहला विटनेस क्या है कि तुम परमेश्वर के बच्चे हो और आत्मा गवाही दे रहा है। अब आपके अंदर एक व्यक्ति है जो गवाही देता है यीशु के बारे में। आपके अंदर एक शिक्षक है जो आपको अब सारे वचन के सत्य में ले जाएगा। जब टीचर आता है लोग भाग जाते हैं, ऐसे टीचर टीच नहीं करता है। टीचर टीच करने का मतलब क्या है कि जब भी कोई परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र लेके बैठेगा, अगर उसके अंदर आत्मा, आत्मा उसको सिखाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की शिक्षा नहीं लेंगे, इसका मतलब यह कि असली शिक्षक आपके अंदर,
सोचिए प्रचारक घंटों मेहनत करके अगर कोई वचन लाता है भारी प्रकाशनों के साथ, ठीक है, प्रचारक कल रात को स्वर्ग गया, स्वर्ग में परमेश्वर ने कुछ बातें बोली, फिर वो आके प्रचार करे, उस स्वर्ग चला जाए कहीं चला जाए, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है आप उस बात को नहीं समझ सकते। आमेन। उस प्रकाशना को ग्रहण करने के लिए जिस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रचारक को प्रकाशना मिली है, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसको प्रकाशना मिलनी चाहिए। आमेन। तो पहले काम क्या कर रहा है पवित्र आत्मा? गवाही दे रहा है। इसलिए जब किसी को उद्धार मिलता है उसको बाइबल समझ में आने लगती है। कितने लोग ऐसा विटनेस कर सकते हुआ आपके साथ, तो कैसे समझ में आ रहा है आप वचन, कैसे समझ में आ रहा है? आत्मा गवाही दे रहा है। आमेन। कितने लोगों को आत्मा गवाही देता तुम परमेश्वर के बच्चे हो? ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? ये सिस्टम अंदर है, सिस्टम बाहर नहीं है, वो विटनेस अंदर है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। और इसीलिए प्रेयर एक प्रिविलेज है कि हम अपने पिता की उपस्थिति में कभी भी जा सकते हैं। आमेन। परमेश्वर घर नहीं घराना बना रहे, रिलेशनशिप का परमेश्वर है ये, कि स्लेव्स पैदा नहीं कर रहे, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। आमेन। फैमिली का सिस्टम परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर अपने घर का सदस्य बनाते हैं, तब घर की सारी ब्लेसिंग आपकी है। जो घर का सदस्य नहीं, घर की ब्लेसिंग उसकी कैसे? अब फ्रिज में खाना पड़ा कुछ भी उठा के खा लोगे आप? घर के नहीं हो तो घर में बच्चा जाएगा फ्रिज में उठा के कुछ भी निकाल के खा लेगा, उस घर का मेंबर है वो। कुछ परमेश्वर के घर के बच्चे हैं जो अजनबियों जैसे रहते हैं। तो मैं कहूं, मैं, अरे भाई तुम परमेश्वर के बच्चे हो। आमेन। पहली स्टार्टिंग उसकी होती है जब तुम प्रभु यीशु को जीवन देते हो और आत्मा तुम्हारे अंदर गवाही देता है तुम परमेश्वर के बच्चे हो। तुम कोई अभागे नहीं हो, असहाय नहीं हो, क्योंकि आत्मा तुम्हारी सहायता करने आया। आमेन। तुम गरीब नहीं हो, क्योंकि जीसस बोले सब मेरे बाप का है मेरा है। तो मैं सब बोलो जो यीशु का वो मेरा है। जीसस बोलते जो पिता का वो मेरा है, पिता सब मेरे को दे दिए। इस सेल्वेशन की स्टोरी को समझना है। परमेश्वर खाली पाप से नहीं बचा रहे हैं। और बहुत से लोगों की वही टेंडेंसी है, हमको उद्धार मिला पाप से। नहीं, परमेश्वर अपनी सारी महिमा सारी विरासत अपने बच्चों के साथ बांट रहे हैं। जो भी यीशु मसीह का है वो सबका है। आमेन। इसलिए आप कोई गरीब है ही नहीं, और अचानक से अमीरी देखनी मरना पड़ेगा, लेकिन अब कोई गरीब है ही नहीं। इसलिए तो हम लोग गाते हैं, निर्धन कहे मैं हूं धनवान, निर्बल कहे मैं हूं बलवान। आमेन। वो पोजीशन है क्राइस्ट में होने के कारण, मेरी उस पोजीशन ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया है। आमेन। हम किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी रंग के हो, हम राजघराने में प्रवेश कर चुके हैं। आमेन। ये तो सबसे पहले एक बिलीवर की लाइफ का पहला विटनेस क्या है? यू आर ए चाइल्ड ऑफ गॉड। और ये विटनेस बाहर से नहीं है, ये विटनेस, ये साक्ष्य, ये टेस्टिमनी अंदर से आ रही है कि हम माफ किए गए हैं, हम परमेश्वर द्वारा कबूल किए गए हैं, परमेश्वर ने अपने प्रेम में हमको शामिल किया, परमेश्वर मेरा पिता है। ये रेवलेशन बिना सेल्वेशन के किसी को नहीं मिल सकती, वो कॉन्फिडेंस प्रेयर में कि हे मेरे पिता। अब बाप से कोई कैसे मांगता है और अंकल से या पड़ोसी से कैसे मांगेगा, बहुत फर्क है। हालेलुया। मेरी दुआ है आज ये वचन सुनते सुनते किसी की लाइफ में कॉन्फिडेंस आ जाए। आमेन। क्योंकि उसके पास वो टेस्टिमनी है, वो मेरा पिता है, हम अभागे और हम असहाय नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा सहायता करने आए हैं। वो सब चीज जो पिता ने मेरे लिए चाहिए उसमें मुझे लीड करने के लिए आया। वो सब बातें जो यीशु मसीह मुझे बताना चाहते हैं वो बातें बताने के लिए आया। जब सूरज गवाही देता है तो फूल सुंदरता दिखती है ना फूल की। आमेन। वैसे ही पवित्र आत्मा की गवाही है, यीशु मसीह की सारी बातें चमकने लगेगी दिल में, वो सारी बातें समझ में लगेगी। लेकिन आत्मा जब आएगा, वो चीजें तुम
जो नहीं जानते वो तुम जानने लग जाओगे आत्मा के द्वारा। मैं सब बोलो आत्मा के द्वारा। तो परमेश्वर का जो रेल्म है वो इन कानों और इन आंखों से नहीं है, हमारे नेचुरल सेंसेस से नहीं है, वो सोल का रेल्म नहीं है, वो स्पिरिट का रेल्म है। आमीन। वो दिमाग से नहीं समझा जाता है। जो चीजें परमेश्वर ने बनाई है उसके लिए गाइड चाहिए। हालेलुया। तुम्हारा आत्मिक जगत में एक गाइड है, तुम भटक नहीं सकते। फिर वचन कहता है कि जो बातें मैं कहूंगा या जो बातें वो सुनेगा वो तुमसे कहेगा। तो सोचो पवित्र आत्मा वहां से ऐसे सुन रहे हैं, यहां जाके तुमको बता रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बातें उसने सुनी है वो तुमसे वो बातें कहेगा। मतलब हेलो जीसस, हेलो हेलो हेलो, नहीं जीसस जितना दूर बैठे हो, आत्मा के द्वारा जो आत्मा वहां सुन रहे वो तुम यहां सुन सकते हो। वो बातें बताएगा जो वो सुनता है, और तुम्हें वो बातें घोषणा करेगा जो बातें आने वाली है। मतलब फ्यूचर की भी बातें तुम पे रिवील्ड होगी, क्योंकि परमेश्वर अंत को शुरुआत से ही निर्धारित कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। 14th वर्स में वो मुझे महिमा देगा और जो मेरा है वो लेके तुम पे घोषणा कर देगा। इंग्लिश में ऐसे ही विल टेक दैट व्हाट इज माइन एंड डिक्लेयर इट अनटू यू। वो जो मेरा है वो लेके तुमको बता देगा, तुम पे प्रकट कर देगा। आमेन। जो भी यीशु का है सोचो वहां से लेके तुमको दे देंगे, वहां से सुन के तुमको बता देंगे। और आत्मा किस लिए है? आत्मा है प्रभु यीशु को महिमा देने के लिए। अब इसको दो ढंग से समझने, जब आत्मा काम करेगा प्रभु यीशु को महिमा मिलेगी, राइट? लेकिन जितना तुम प्रभु यीशु को महिमा दोगे उतना आत्मा से भरोगे। योहन्ना 7 में लिखा है कि जब यीशु बोलते हैं कि जो प्यासा है वो मेरे पास आए, और जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा है अगर विश्वास करेगा उसके अंतस्थल से संजीवन जल की नदी निकल पड़ेगी। तो उसके बाद लिखा गया अभी प्रभु को महिमा नहीं मिली थी, ये बात के लिए था। तो जब यीशु को ग्लोरी मिलती है तो क्या होता है? पवित्र आत्मा उडेला जाता है। आमेन। लेकिन जब आत्मा उडेला जाता है तो क्या होता है? यीशु को ग्लोरी मिलती है। आत्मा किसको ग्लोरी देने है? मसीह यीशु को ग्लोरी देने है। तो आत्मा प्रकट करेगा हम पे मसीह यीशु कौन है, उसकी महिमा क्या है। और ये एक अंदर का प्रोसेस है, तुम्हारी समझ को खोल देगा, तुम्हारे अंदर रोशनी जलने लगेगी। और जो भी मसीह का लेके तुम पे प्रकट करेगा। फिर वचन कहता है पहला कुरिन्थियों में आत्मा सब बात खोजता है। तो सोचो आत्मा सब बात खोजता है, परमेश्वर की गहरी बातों को भी खोजता है। आमेन। स्पिरिट सर्चेस ऑल थिंग्स, वो सब बात को खोजता है और परमेश्वर की गहरी बातों को भी। तो परमेश्वर की गहरी बात खोज के तुम पे प्रकट कर देगा। वो जो सब भी पिता से मुझे मिला है, 15th वर्स, वो मेरा है। जो भी पिता का है वो मेरा है। और आत्मा क्या करेगा? जो मेरा है वो लेके तुम पे प्रकट कर देगा। हालेलुया। कुछ लोग आत्मा की लीडिंग को फॉलो नहीं करते हैं, कुछ लोग आत्मा से पूछते नहीं उनको बताते हैं, कुछ लोग बिना लाइट के अपने डिसीजंस ले लेते हैं। सोचिए आप कोई भी गलती करने जा रहे हो, आपको वही याद आ जाए, रुको जरा, सबर करो, थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि अंधेरे में आदमी हमेशा ठोकर खाएगा। अंधेरा किसी के लिए फायदे की बात नहीं है, अंधेरा किसी के लिए एडवांटेज नहीं है। अज्ञानता में जीवन खाली नाश होता है, अज्ञानता में गलत डिसीजंस होते हैं। कुछ लोग है हड़बड़िया, जब आदमी हड़बड़ करता है तो क्या होता है? बुद्धि पहले इस्तेमाल करता है, बुद्धि अपनी बुद्धि पर भरोसा होता है, और चतुर को अपनी चतुराई में फंसाते हैं परमेश्वर। ओवर स्मार्ट होते हैं ना, जिनको लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, उनकी सोच ही उनको बर्बाद करती है। कोई आपसे बोले हम सबर करना सीखेंगे, मैं इसे बताता, सुनिए मेरी इस बात को, सुनिए इसको फिर से ध्यान सुनिए। आत्मा अगर आपकी अगुवाई कर रहा है आप जीवन में हार नहीं सकते, इम्पॉसिबल है डिफीट। और ये सारी बातों से पहले यीशु क्या बोलते हैं? लेकिन जब आत्मा आएगा। आमीन। तो एक तो जितने लोगों को उद्धार मिला, आत्मा आपके अंदर है, लेकिन हम आत्मा को खेदित कर सकते हैं। अगर पवित्र आत्मा तुम में और तुम उसकी बात नहीं सुनना चाहते, क्या वो तुमसे बात करेगा?
इसलिए कई लोग आत्मा की आवाज नहीं सुनते, आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते, कठोर है, सुन के अनसुना कर सकते हैं, बात सुनना नहीं चाहते। बहुत से लोग मूर्ति पूजक हैं एक्चुअली, जो अपने विचारों में इतना स्ट्रांग है कि उसको फिर कोई बात सुननी नहीं होती, वो मूर्ति पूजक है। कई लोग आत्मा से पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं पवित्र चीज कुत्तों को मत दो। अगर ये प्रिंसिपल परमेश्वर ने मुझे सिखाया जो बाइबल में, तो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति से क्यों बात करेगा जो सुनना नहीं चाहता। वो सब ठोकर खाने के बाद पवित्र आत्मा कंफर्ट करने आएगा। जैसे जो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा और प्रेयर करे आत्मा सहायता करी, फिर आत्मा आएगा जब बुरे मार्क्स आएंगे सहायता करने, कंफर्ट करने, वो गाइड बन जाएगा, वो बोलेगा, वो सुनेगा और वो बोलेगा, वो जो बातें यीशु की लेके प्रकट करेगा, वो आने वाली बातों की घोषणा कर देगा। आमीन। जो भी वो मुझसे सुनेगा वो तुम्हें बता देगा। ये आत्मा के काम हम लोग के नेचुरल सेंसेस से नहीं, ये परमेश्वर का रेल्म है जो आत्मा खोल देता हमारे लिए। वो मुझे महिमा देगा और जो बातें मेरी है वो मुझसे लेके तुम्हें बताएगा। आमीन। प्रभु यीशु को महिमा देगा आत्मा, इसलिए हम लोग बाहर काम खोज रहे, बाहर नहीं, वो काम अंदर है। सब लोग, वो आत्मा अंदर है, डेली उसकी लीडिंग सुनना समझना। इसलिए मैं बोलता हूं प्रार्थना में पूरा टाइम बोलते नहीं रहते, प्रार्थना पूरा टाइम बोलने के लिए नहीं होता। अभी एक डिवोशन का टाइम उसको अगर बोलेंगे, थोड़ी देर आदमी गा सकता है, थोड़ी देर वचन पे मनन कर सकता है, थोड़ी देर बैठ के प्रार्थना करेगा, फिर थोड़ा चुप बैठेगा। जो आदमी चुप होना सीख गया ना, वो सुनना सीख जाएगा। आप किसी आदमी से बात कर सकते हो, सबसे बोलता रहता है, लेकिन मेरी तो बात सुनो, लेकिन अरे भाई एक बार रुक तो जाओ, जो जो बोलता रहता है वो सुनता कहाँ है। आप खाली बोल रहे हो, प्रेयर वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, प्रेयर टू वे कम्युनिकेशन है। आप खाली बोलोगे नहीं, आपको सुनना है। और फिर बहुत से लोग बोलेंगे हम यहाँ सुन नहीं पाते, यहाँ 90% लोग हाल उठाएंगे, हमको कुछ आवाज सुना नहीं देती। यही तो प्रॉब्लम है कि आपको चाहिए एक आवाज आएगी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। आपको आकाशवाणी चाहिए, वो आकाशवाणी नहीं आती। परमेश्वर अलग अलग ढंग से बात करते हैं। इसे सोचिए, आपके मन में अंधेरा है, ठीक है, जहां तक समझ में है आप कोई बात नहीं समझ रहे, आप प्रेयर कर रहे हो, अचानक से रोशनी आ जाएगी, आपको जो नहीं समझ में आ रहा था समझ में आ गया, किसने किया, पवित्र आत्मा ने। आमेन। जो बात आप नहीं समझ रहे थे अब आपकी समझ में वो बात घुस गई। तो कई लोग पवित्र आत्मा से सुनते नहीं, पवित्र आत्मा को बोलते हैं, कई लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना नहीं चाहते। आज हम लोग क्या गा रहे थे, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। कई लोग डिसीजन ले लेते बिना लाइट के। क्या आप नोट्स भी कोई लिखेगा बिना लाइट के? डिसीजंस नहीं लेंगे, लाइट आ जाएगी। कोई सुन रहा है, थोड़ा रुको, लाइट आ जाएगी। एक बात बताओ, रुक, वेट करना बहुत हम्बलिंग प्रोसेस है, बहुत विनम्रता चाहिए उसके लिए। वेट करना के लिए विनम्रता चाहिए। मैं एक बात समझना चाहता हूं, इसलिए बोलते, जब भी आप जितने मेंबर्स हैं, आपको मालूम है ये मैसेज वापस डलता है, इसको ध्यान से सुनिए, एक बार सुनिए, दो बार सुनिए, नोट्स अच्छे से लीजिए, फिर से सुनिए। आपको 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर हम वेट करेंगे लाइट आ जाएगी। ये फास्टिंग भी, प्रेयर्स भी, ये लॉन्ग फास्टिंग उसी वेटिंग प्रोसेस है ना। कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है, थोड़ा इंतजार करेंगे लाइट आ जाएगी, विश्वास है कि लाइट आ जाएगी, थोड़ा वेट करो लाइट आ जाएगी। लेकिन प्रभु क्या इस्तेमाल करते हैं, मेरे कोट्स को इस्तेमाल करते हैं, कोट्स को। और यहां बहुत लोग विटनेस करेंगे, आपकी आवाज मेरे कान में गूंजती है, राइट। मैं सब बोलो थोड़ा वेट करो लाइट आ जाएगी। एक बात बताओ, अब जो वचन नहीं पढ़ता, ऐसे सुनो, मेरी बात सुनो, जो वचन नहीं पढ़ता उसको पवित्र आत्मा क्या याद दिलाएगा? पवित्र आत्मा याद भी दिलाता है ना, तो तुम हड़बड़ी कर रहे हो, तो पवित्र आत्मा याद दिलाएगा, वेट करो लाइट आ जाएगी, ठीक है। उसमें आवाज कौन सी आएगी? अब पवित्र आत्मा की आवाज कैसी है? उसमें वही आवाज जो तुम्हारे अंदर डिपॉजिट है, वही आवाज वापस रिप्ले होगा। कई बार तुम अपनी आवाज सुनोगे, कई बार अपने अगुए की आवाज सुनोगे। देखो, जब पवित्र आत्मा बात करता है ना, ये आकाशवाणी नहीं है, नहीं, ऐसे नहीं होगा, वो अंदर की आवाज है, कई बार वो तुम्हारी आवाज होगी। कितने लोग को मालूम है वेट करने से लाइट आ जाएगी, लेकिन प्रभु वेट ही तो नहीं होता हमसे।
बोले कोई बात नहीं, इसका भी सोल्यूशन है परमेश्वर के पास। पूछो क्या, तुम करो अपना मन, तुमको हम सिखाएंगे हराते कैसे। जब सब जगह से हार जाओगे तो क्या करोगे प्रभु, अब आप बताइए। बोले ठीक है। पहले बोल लेते। बोले प्रभु आपको तो मालूम है कि पहले हम लोग से नहीं होता है नेचुरली, तभी तो परमेश्वर पिता है। हमें कोई धन्यवाद देगा कि परमेश्वर इतने अच्छे पिता है कि हमारी बेवकूफियों को आशीष नहीं देते, हमारी बचपने वाली प्रेयर को आशीष नहीं देते, जो चीज हमको अपनी गलत धुन में चाहिए उसको हमको दे नहीं देते। आमेन। बार बार हमको तोड़ते हैं, इसलिए टूटना बहुत जरूरी है। टूटेंगे नहीं तो सुनेंगे नहीं। और जब प्रभु वेट करना सिखाएंगे ना, बहुत पेशेंस आ जाएगा आपने। अब प्रभु कैसे वेट कराते मालूम है, आपको कोई काम काम नहीं करेगा। कितने लोग ऐसे फेस से गए कुछ काम नहीं करता है, कितने लोग गए हाथ दिखो कुछ काम नहीं करता। तो ये परमेश्वर का तरीका है वेट करना सिखाना, बिकॉज बिना ट्रेनिंग के कोई आगे बढ़ गया तो आगे जाके बड़ी गड़बड़ी कर देगा। इन वचनों को, टीचिंग्स को ध्यान से सुनिए। जितने लोग प्रभु यीशु को जीवन देते हैं उसके बाद तकलीफें आ रही है, बहुत अच्छा साइन है ये। इसका मतलब परमेश्वर उस तकलीफ को इस्तेमाल कर रहे हैं आपको तैयार करने के लिए। किसी में पेशेंस नहीं, पेशेंस आएगा कैसे, जब तुमको कोई चीज डेस्परेटली चाहिए होगी और उस डेस्परेशन में तुम हारना सीखोगे। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ऐसे फेस से गए ना बहुत से लोग गए, राइट। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, फिर क्या करोगे। दो तरीके, या तो बैकस्लाइड हो जाओगे, बहुत से लोग हो जाते हैं ना, बिटर हो जाते हैं, कंप्लेन करते हैं परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है। लेकिन सेकंड प्रोसेस क्या है, क्या है बताओ। आदमी वो चीज सीखेगा जो आज तक उसको नहीं मालूम थी। अब जैसे कई लोग होते हैं ना, झूठा गेट खटखटा के भाग जाते, तो तुम बोला कोई मेहमान आया, तुम भागोगे, कोई खुल, कोई नहीं है, दो बार कोई नहीं है, तीन बार कोई नहीं, चौथी बार क्या होता है, गेट खटखटाते हैं, सब छलावा है। तो जब नेक्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी आएगी, तुम्हारा फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा। फर्स्ट रिस्पॉन्स तुम उठ के भागना नहीं चालू करोगे, फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा तुम काउंसिल का वेट करोगे। कितने लोगों की लाइफ में होता है, कॉलिंग होती है, प्रभु जब पहली बार बुलाते इतना तेज भागते हैं कि बाद में प्रभु जब दो तीन बार बोलते हैं तब वो एक बार रिप्लाई करता है। मोसेस मोसेस दो बार, सैमुएल सैमुएल दो बार, तब आदमी इतना ब्रोकन हो जाता है कि फिर उसका कॉन्फिडेंस अपने आप पे नहीं है। और ब्लेस्ड है वो लोग जिनका कॉन्फिडेंस अपने आप पर नहीं है, वो उनके प्रेयर लाइफ में, परमेश्वर के सामने वेट करने में, काउंसिल लेने में वो दिखेगा। आमेन। मेरे साथ बोलो, थोड़ा वेट करो लाइट आ जाएगी। और सबसे मुश्किल है वेट करना, राइट। फिर दूसरा, प्रभु जल्दी काम नहीं कर रहे, अब मामला अपने हाथ में लेना पड़ेगा। परमेश्वर बहुत स्लो काम कर रहे हैं, देखो सब कितना आगे निकल गए। कितने लोग ऐसा करते हैं, हाथ उठाएंगे पर दूसरे कितना आगे निकल गए, दूसरे कहां पहुंच गए, दूसरे को चांद और मंगल ग्रह में जाने दो, हमको नहीं जाना, हमको यीशु दे दो। एक गाना है, गिव मी जीसस, यू कैन गो टू द मून, गिव मी जीसस, तुम मून पे चले जाओ, हमको हमको जीसस दे दो। परमेश्वर अरे तब से प्रेयर कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं है, अब मैटर अपने हाथ में लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं गई भैंस पानी में, खत्म, फिनिश, स्टोरी फिनिश। आदमी इतना प्रेयर किया लेकिन उस पर, मैं सब बोलो वेट करो लाइट आ जाएगी। अच्छा, जब मैं ये बात बोल रहा हूं, कितने लोग के अंदर वो पवित्र आग जल रही है, समझ में आ रही है, वो समझ आ रही है, राइट। वैसे फिर से बोल रहा हूं, थोड़ा वेट करो लाइट आ जाएगी। मैं दो लोग वेट करना सीख जाए परमेश्वर का, वो ऐसी ब्लेसिंग्स में चलने लगेंगे, जो अद्भुत ब्लेसिंग्स में चलने, अद्भुत ग्लोरी में चलने लगेंगे, उनको सीक्रेट मिल गया किंगडम का। बट नेचुरली बहुत से लोग नहीं सीखते हैं इसको, ब्रेक होके ही सीखना पड़ता है इसको, क्योंकि हम लोग के इंसानी तरीके पवित्र आत्मा को बार बार खेद करेंगे। जेंटल स्पिरिट है, अगर ठेस पहुंचाओगे तो पवित्र आत्मा उड़ जाएगा। लेकिन आप जब भी लीडिंग फॉलो करोगे, जो गाइड आपको गाइड कर रहा है उसको ओके। आज कितने लोग पवित्र आत्मा किस आवाज में बात करता है सीखे, ये एक अलग आवाज नहीं होगी, कई बार आप ही की आवाज होगी, क्योंकि वो बात है जो आपके अंदर आपको स्मरण दिलाएगा, जो एग्जाम्पल्स आपको मालूम है वो एग्जाम्पल्स उठाएगा।
अगर हम लोग अपनी लाइफ में एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक तरीका बनाएंगे कि जो भी मैटर होगा बिना लाइट के डिसाइड नहीं करेंगे, जब तक लाइट नहीं आएगी कुछ नहीं करेंगे, कोई अपने नोट्स में लिखेगा जब तक लाइट नहीं आएगी कुछ नहीं करेंगे, आमेन। देखिए आपकी लाइफ अद्भुत रूप से बदल जाएगी। तो ये कई कि पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा, मैटर अपने हाथ में लेने पड़ेंगे, नहीं, इससे और डिसअपॉइंटमेंट होती है, आप डेड एंड में आ जाएंगे। डेड एंड क्या होता है, आप रास्ते के एंड में आ गए और आप कहीं ना लेफ्ट है ना राइट है, रास्ता बंद है वहां, इससे आपके एफर्ट्स वेस्ट होंगे, आमेन। तो हम लोग अब पवित्र आत्मा से रिश्ते में कैसे बढ़ सकते हैं? नंबर वन, परमेश्वर के चेहरे को खोजना चालू करके, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, तू यहोवा पर अपने पूरे दिल से भरोसा कर और अपनी समझदारी का सहारा मत ले, अपने सब कामों में उसको एक्नॉलेज कर, मतलब अपने सब कामों में उसको पहला स्थान दे, उसके सामने वो बातें लाए और वो तेरे पद की अगुवाई करेगा। नीति वचन 3:5-6, फिर वचन कहता है अगर तुम में से किसी में बुद्धि की कमी हो, अब बुद्धि की कमी को क्या बताएंगे, बताओ किस भाषा में बोले, अगर तुम में से, मैं इसको चेंज करता हूं, अगर तुम में से कोई लोड सेटिंग हो, परमेश्वर से मांगो जो खुल के लाइट देता है और तुमको भी मिलेगी। बुद्धि की कमी क्या है? लोड शेडिंग। बुद्धि की कमी क्या है? मन में अंधेरा है। बुद्धि की कमी क्या है? समझ का अभाव है। पवित्र आत्मा क्या है? समझ का आत्मा है, आमेन। अब ये परमेश्वर को ऑनर का सिस्टम है, सब बोलो ऑनर का सिस्टम है। ऑनर का सिस्टम क्या है? जब अभी तुम्हारे घर में अगर कोई बड़ा है, ठीक है, मेरी बात समझो, जब कोई बड़े डिसीजन लेते हो और उनसे जाके पूछते हो, वो ऑनर फील करते कि नहीं? वो अपने अंदर जो भी, अगर मां बाप की ब्लेसिंग चाहिए, बड़े हम्बली जाके तुम जो सोच रहे हो, जो माइंड में मां बाप से पूछो, अगर तुम रिस्पेक्टफुली मां बाप को वो स्थान दोगे कि आप गाइड करिए, तुम देखो मां बाप के अंदर से कुछ उनका बेस्ट निकल के आ जाएगा, राइट। इसीलिए जो परमेश्वर को सम्मान देगा और सम्मान की तरफ, जब 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 भी हम लोग विजडम और गाइडेंस के लिए, डायरेक्शन के लिए आत्मा का इंतजार करेंगे, ये परमेश्वर का जॉय का मैटर हमको लीड करना, थोड़ा वेट करो लाइट आएगी, आमेन। तो पवित्र आत्मा कई बार कैसे लीड करता है, हमको प्रार्थना की लीडिंग देके, अभी आंसर की लीडिंग नहीं है, क्या मेरी बात कोई समझ रहे? क्योंकि कई लोगों को पहले आंसर चाहिए, लेकिन परमेश्वर का सिस्टम पहले आंसर का नहीं है, पहले पूछने का है, पहले मांगने का है, पहले खटखटाने का है। तो कोई बोलेगा कि भाई पवित्र आत्मा हमको आंसर नहीं दे रहे, लेकिन तुमको प्रेयर करने बोल रहे हैं, क्योंकि वहीं से आंसर मिलता है, आमेन। इसीलिए जब पेंटेकोस्ट के दिन आत्मा उतरा तो लोग खाली टंग से बात नहीं कर रहे थे, वो एक प्रेयर की फायर पकड़ लिए, जो भी आत्मा से भरा है उसको एक इनर लीडिंग होती है, अंदर से एक आग होती है प्रेयर करने की। देखो जब भी हम आत्मा से नहीं भरे होंगे हम प्रेयर नहीं कर पाएंगे, क्या हमने नोटिस किया इसे? लेकिन जब भी हम आत्मा से भरेंगे प्रेयर एक इजी चीज हो जाएगी, क्योंकि आत्मा प्रार्थना में हमारी सहायता करेगा, आमेन। फिर जब आप थोड़ा समय परमेश्वर के साथ बिताओगे, प्रेयर में बिता रहे हो, अभी आत्मा में हम फंक्शंस अपने आत्मा के सीखे नहीं है, हम धीरे धीरे सेंसिटिव होने लगते हैं, आत्मा की बातों को समझने लगते हैं। जब कोई प्रार्थना में, परमेश्वर की हुजूरी में, वचन में समय बिताएगा, आप परमेश्वर की चीजों के लिए सेंसिटिव हो जाएंगे, आमेन। अगर आप वचन में समय बिताओगे, आप देखोगे आप परमेश्वर की चीजों को और पवित्र आत्मा जो अगुवाई कर रहा है उसको अच्छे से समझ रहे हो। लोगों को लगता है कि क्या है हम लोग वचन सुन रहे हैं, यही तो असली बैटर है। जब आप सुनने लगेंगे, धीरे धीरे सुनने लगेंगे, साथ आराधना प्रार्थना करने लगेंगे, आपके अंदर का आदमी स्ट्रांग होने लगेगा, वो आत्मा की लीडिंग को समझ। देखिए पवित्र आत्मा एक दिन में 20 साल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, हालेलुया। एक दिन में आपको ऐसे व्यक्ति से मिला सकता है जो आपकी प्रॉब्लम का आंसर बन जाए। 20 साल से कोई रो रहा है, एक दिन में उसको ऐसी प्रकाशना दे सकता है कि उसकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो सकती है, आमेन।
जिसको आत्मा के अगुवाई में बढ़ना है वो दूसरा काम क्या करेगा, वचन में कंसिस्टेंट हो जाएगा। वचन कहता है 2 तिमोथी 3:16-17 में कि सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की इंस्पिरेशन से है, उसकी अगुवाई से आया है, उसकी प्रेरणा से, प्रेरणा सही शब्द है, उसकी प्रेरणा से आया है, जो सिखाने के लिए, डॉक्ट्रिन के लिए, सुधार के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए, धार्मिकता के सारे इंस्ट्रक्शन के लिए प्रॉफिटेबल है, लाभदायक है। तो जो उसमें इंस्ट्रक्टेड है वो परफेक्टेड है, वो फर्निश्ड है। जैसे घर फर्निश्ड होता है ना, फर्निश्ड क्या होता है, वो बिल्कुल सेट है, रेडी है अच्छे कामों को करने के लिए। आमीन। अच्छे काम खाली करने का इरादा अच्छा नहीं है, उसके लिए फर्निशिंग चाहिए जो वचन फर्निश करता है। अगर आज किसी को प्रोफेसी हुई है, बोलिए कोई तुम्हारे दुखी जीवन में अचानक से एक गुड न्यूज आ रही है। तीसरी बात, शरीर की अभिलाषाओं से जय पाएगा वो व्यक्ति, उसमें पाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो शरीर के अनुसार जीता है उसको मृत्यु है, शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार जीना। पर जो आत्मा, मतलब जो शरीर के अभिलाषाओं को मारेगा वो आत्मा में जीने लगेगा। जितने आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, कोई भी परमेश्वर का बच्चा उसका प्रूफ क्या है, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, और कोई प्रूफ नहीं है। आमीन। स्पिरिट लेड, इसलिए हम लोग सिखाते हैं फास्टिंग, फास्टिंग, शरीर को तोड़ना है, फास्टिंग। आप जिन पाप से उभरना चाहते हो तो शरीर तो आपको वही करने में मजबूर करेगा, जिसको हवस है, हवस क्या बोलते हैं, हवस, उसको 7 दिन ड्राई फास्ट में भेज दो। क्यों? जब आदमी फास्ट करता है, जो शरीर और उसका रिलेशनशिप है वो ब्रेक होना, शरीर का जो पावर है वो ब्रेक होने लगता है। तो जो उस आत्मा की विटनेस को सुनता है वो परमेश्वर का बच्चा है। आत्मा अंदर से चीखेगा, ये रास्ता है, इसमें चलो। अपॉर्चुनिटीज, नए संभावनाएं, नए द्वार लाइफ में खुलेंगे। जब भी आत्मा बात करेगा ना, शरीर के अगेंस्ट भी बात होगी, मतलब वो करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन उसको करेंगे जब हम, तभी हम ब्लेसिंग्स पाएंगे। आमीन। तो आत्मा में चलना क्या होता है? आत्मा में चलना मतलब परमेश्वर के साथ चलना। बाइबल क्या गवाही है? नूह परमेश्वर के साथ चलता था, अब्राहम परमेश्वर के साथ चलता था। साथ चलने का मतलब क्या होता है? इन्होंने परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन सुने, उसको समझा, उसका पालन किया। साथ चलने का मतलब नूह को जब इंस्ट्रक्शन मिला, नूह को समझ में आया, और नूह ने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। आत्मा में चलने का मतलब आज्ञा पालन में चलना, जो भी इंस्ट्रक्शन मिला है उसके आज्ञा पालन में चलना। आप आत्मा की अगुवाई में कैसे चल सकते हैं? जब आप वचनों का पालन करेंगे। जितनी बार आप वचन का पालन कर रहे हैं, आप आत्मा में चल रहे हैं। हालेलुया। कई लोगों को आकाशवाणी चाहिए ना? नहीं, सारा परमेश्वर का वचन प्रेरणा से आया है। जब भी आप वचन को फॉलो कर रहे हो, आप स्पिरिट को फॉलो कर रहे हो। आमीन। चौथा, आत्मा में चलना क्या होता है? आत्मा में दुआ करना, आत्मा में चलना होता है। आमीन। कि जब आप आत्मा में दुआ करेंगे, मतलब आप आत्मा में चल रहे हैं। उसमें प्रेयर पॉइंट्स नहीं होते। आत्मा में जब दुआ कोई करता है, उसमें प्रेयर पॉइंट्स नहीं होते, उसमें आत्मा लाइफ का एजेंडा सेट करता है। आत्मा में चलना मतलब आत्मा की अगुवाई को मानना, उसका आज्ञा पालन करना। फिर आत्मा में चलना क्या होता है? आत्मा में चलना मतलब विश्वास से चलना। जो विश्वास से चलता है, मतलब आदमी डर के नहीं चल रहा है, शरीर में नहीं चल रहा है, वो विश्वास से चल रहा है। आमीन। उस आत्मा में चलने का मतलब है कि अंदर की प्रॉम्प्टिंग। तो उसका मतलब होता है कि जब हमको आत्मा में अगुवाई हो रही, फास्टिंग करो, ठीक है, हम लोग फास्टिंग करें। जब आत्मा में अगुवाई हो रही, प्रेयर करो, प्रेयर करें। जब आत्मा में अगुवाई हो रही, दे दो, मैं सब बोलो दे दो। ये आपको टेस्टिमनी आने का वेट नहीं करना है कि ओ आपने काम किया, हम तो यही प्रेयर कर रहे थे। नहीं, वो काम वहां टेस्टिमनी से चालू नहीं होता है, वो अंदर स्पिरिट की टेस्टिमनी से चालू होता है। जब परमेश्वर अगुवाई करते हैं कि प्रेयर करो, प्रेयर करो, जब परमेश्वर अगुवाई करते हैं, दे दो, उस समय दे दो। कितनी बार परमेश्वर रात को उठाते हैं नींद से, और उस समय अर्ज होती प्रेयर करो, और हम लोग सो जाते हैं, बात करो, लाइट नहीं चाहिए, लोड शेडिंग। आत्मा में
चलना होता है, जब आप शांति के रास्ते में चलना सीखते हैं, जब आप अपनी गलती सही करना सीखते हैं, जब आप अपनी गलतियों का पश्चाताप और माफी मांगना सीखते हैं, जब आप जल्दी से ऑफेंडेड होकर नहीं चलना सीखते हैं। आज से हम लाइट का वेट करेंगे, आज से हम प्रेयर लाइफ हमको चाहिए, आमीन। और हम इस कॉन्फिडेंस में चलेंगे कि जो भी हम आपसे मांगेंगे आप उसको करेंगे, आमीन। आप रास्ता दिखाएंगे।